बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं उन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है? अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अंगूर खाने से दिमाग की जहानत में इजाफा होता है और ये जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। हालत हैज के अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से खवातीन के जिस्मानी तवाजन में बिगाड़ पैदा होता है। सुबह निहार मुंह रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमागी कमज़ोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। शाम के वक़्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से बुखार हो जाता है। एक ही सांस में पानी पीने से मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। अगर बाल कमज़ोर हो तो प्याज का रस निकालकर रोज़ाना रात को सोते वक़्त सर पर लगाएं। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज़ होता है। नज़र को तेज़ करना चाहते हो तो बंद गोभी के पत्ते काटकर आँखों पर रख लो। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। किक्कर की लकड़ी चबाने से बदन की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना एक बाल उखेड़ने से आपके बाल लंबे होंगे। सब्ज कच्ची मिर्च खाने से बिनाई तेज़ होती है। ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से कब्ज का मसला हो सकता है। रोज़ाना चाय ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। नाखूनों पर तेल लगाने से जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। औरत का ऊंचा लहजा मर्द को पसंद नहीं आता। ये तो औरत है जो मर्द के ऊंचे लहजे को उसकी मर्दानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती हैं। पाँव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। चने की दाल के पानी से 6 दिन तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। धनिए की खुशबू सूंघने से नींद जल्दी आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजक सातों नस्लों तक जाए तो रात को सोने से पहले कबल इशा की नमाज के बाद वजू करके दुरूद शरीफ पढ़कर या गनीयू पढ़ने का मामूल बना लें। रोटी चबाकर खाने से कभी गैस की बदबू नहीं आएगी। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। कच्चा एलोवेरा खाने से इंसान की ताकत में कभी कमी नहीं आती। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। मुल्तानी सोन हलवा निहार मुंह खा लेने से दिमाग तेज़ हो जाता है। शुगर के मरीजों के लिए खीरा कुदरती अनमोल तोहफा है। रोज़ाना खीरा ज़रूर खाएं। ख्वाब में सब्जी देखना बीमारी से शफा पाओगे, दुखों से निजात मिलेगी। खाना खाते वक्त अपने पहले नवाले पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेने से चेहरे पर दाने और कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। अगर आपके बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों वाले पानी से सर धो लें, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। खाने से कबल एक इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। चेहरे की झुर्रियाँ गायब करने के लिए लीमू का अर्क चेहरे पर लगा दें और आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद एक चुटकी
सौंफ की खा जाओ। जिन लोगों के हाथ और पांव सुन हो जाते हैं वो लीमू चाट लिया करें। हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। खाली पेट कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक होने का मसला हो सकता है। पेट भरकर मत खाना खाओ क्योंकि इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ज़्यादा थूकने से दिमाग कमज़ोर होता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए कलवंजी बहुत ही मुफीद दवा है। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। अगर अपने घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाओगे तो मच्छर बहुत कम आएंगे। निहार मूंग फालसे का जूस पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अपने वज़न को बढ़ाना चाहती हैं तो वो केले ज़्यादा खाया करे या फिर आलू उबालकर खाया करे। बोतल के साथ मुंह लगाकर पानी पीने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती हैं। सब्ज़ मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इनको कुछ अरसा महफूज रखना है तो इनकी डंडियां उतार दें। कलवंजी का तेल 11 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकावट करीब नहीं आती। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं, पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बना लें और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ एक हफ्ते के इस्तेमाल से झुर्रियां ख़त्म हो जाएंगी। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पीते हैं उनकी हड्डियों के ठोस में 50% इजाफा हो जाता है। खाली पेट केला मत खाएं। आधे चने के बराबर काली मिर्च का सफोंफ दही की लस्सी में मिलाकर पिया जाए तो बदहजमी और मैदे का बोझपन ख़त्म हो जाता है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। फटकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे पर नमूदार लकीरें ख़त्म कर देता है। रात के वक्त मिसवाक करके सोने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऐसे लोग बहुत चलाक होते हैं। सफ़ेद आटा मैदे के मसले बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस होता है। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं वहां से बरकत उठ जाती है। कच्चा आलू काटकर चाकू पर रगड़ो तो इससे चाकू साफ हो जाता है। ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज़ खाने से दांत गिर जाते हैं। जिस बंदे का पेट बाहर निकला हो वो जल्द ही दिल की तकलीफ में मुब्तला होने वाला है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खाने के बाद पानी पीने वाले लोग अक्सर मोटे होते हैं। खाने के बाद पानी कम पिया करो। अगर हर खाने के ऊपर आप कच्ची अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट के दर्द और अफारे के लिए मुफीद है। सरसों के तेल के चंद कतरे कानों में टपकाने से दिमाग तेज़ होता है। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से उम्र बढ़ जाती है और दिमाग तेज़ होता है। जो शख्स हर वक्त बावजू में रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। रात को आयतल कुर्सी ना पढ़कर सोने से डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी का इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आती है। जिनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं उनको अंधेरे में खौफ आता है। लकवा हो जाने की सूरत में सेब और अंगूर के रस को मिलाकर पीने से अफाका होगा। नाजरीन, कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पुदीने का पानी कान में और नाक में डालने से कीड़े मर जाते हैं। केला खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। केला खाने से इंसान का वज़न भी बढ़ता है और इससे कद भी बढ़ता है।
जिसकी आवाज़ बैठ जाए तो वो सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक़्त ठीक हो जाएगा। आँखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि नज़र कम होने लगी है। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमज़ोर होता है। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। गुजरे हुए कल को आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते। मेथी दाना रात भर नारियल के तेल में भिगोकर सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों पर लगाने से बाल काले और चमकदार हो जाते हैं। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कानों में फेरने से कानों में सीटियां बजना बंद हो जाती हैं। लीमू निचोड़कर रात को रोज़ाना सोते वक्त चेहरे पर मसाज करना चाहिए। जैतून का तेल बगलों में लगाने से बगलों से पसीने की बदबू नहीं आएगी। लीमू को सोने से पहले चाट लो, बदहजमी की प्रॉब्लम नहीं होगी। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। निहार मुँह मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। जिन अफराद को खाने के बाद जलन होती हो वो पपीता खा लिया करें। खाने में थोड़ी सी कोलवंजी इस्तेमाल करने से बाल काले हो जाते हैं। हमेशा भूख रखकर खाना खाने से भी शुगर का मसला नहीं होता। रोज़ाना 41 बार या अजीज़ू पढ़ने से कभी किसी की मोहताजी ना होगी और अल्लाह पाक बहुत कुछ अता फरमाएगा। 3 चीज़ें खाने से जिस्म की ताकत में इजाफा होता है। गोश्त और खजूर और जैतून का तेल। जो जैतून का तेल सर में लगाएगा या खाएगा उसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आएगा। मुबाशरत के फौरी बाद पेशाब करना चाहिए, इससे पथरी पैदा नहीं होगी। ज़्यादा देर तक पेशाब को रोकने से आपको पथरी, घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन साबित होती हैं। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके सब्ज़ रंग की घास को देखो तो इससे आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। पानी में अदरक के टुकड़े या फिर अदरक को क्रश किया हुआ अदरक डाल दें और इस पानी में कावा बनाकर पी लें। जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पुरानी से पुरानी ख़ारिश दूर हो जाएगी। कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। खाने के फौरी बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा सो जाओ, क्योंकि भूखा सो जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा मुंह में डालकर चबा लो, मुँह में छाले नहीं होंगे। हामला औरतों को चाहिए कि हमल के आखिरी दिनों के अंदर 2 महीने खजूर खाएं ताकि उनका बच्चा खुश इखलाक और ज़हीन पैदा हो। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिए, इससे बदतरीन किस्म का हैज़ा भी हो सकता है। खजूर खाने से कमर मजबूत होती है, दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। आज के मुआशरे की हकीकत ये है कि अगर मियां बीवी की आपस में बन जाए तो फिर सारे ख़ानदान की उनसे नहीं बनती। फिर ऐसे इंसान को अपना हम सफ़र बनाएं जिसको आपसे इतनी मोहब्बत हो कि वो आपकी आखिरत की भी फिक्र करे। इंसान के गुस्से की वजह उसका गुरूर होता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। मेथी दाना सूंघने और चखने की हिस को बेहतर करता है। अंडे को कोलवंजी के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों का रूखापन ख़त्म हो जाता है। सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है। जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। दही खाने से ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और टेंशन से छुटकारा मिलता है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो दूध में खजूर डालकर शेक बनाकर पी लें, इससे मसाने की कमज़ोरी ख़त्म होगी और बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा।
केले का जूस खून की कमी नहीं होने देता। बेसन के पकोड़े खाने से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है उसकी मुरम्मत हो जाती है। रात को बर्तन धोकर ना सोने से घर में खैरो बरकत नहीं रहती। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक़्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक़्त को बदल देते हैं। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। दांत में शदीद दर्द होने लगे तो दो लौंग लेकर इसको पीसकर इसमें लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासरा दांत पर लगा दें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर धो लेने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सरसों का साग जब भी नज़र आए तो खा लीजिए, ये एक तोहफा है। इससे खून की कभी कमी नहीं होती। मामूली सी चोट और मोच का फौरी इलाज ये है कि आप फ्रिज से बर्फ़ निकालकर किसी साफ मोज़े में भरकर मोच वाली जगह पर लगा दीजिए, आपको आराम आ जाएगा। चेहरे की बदसूरती कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ख़तरनाक तो वो होते हैं जिनके अंदर से बदसूरती होती है। अगर बदन की सूजन का कोई मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में बहुत आराम मिलता है। अगर पकते हुए सालन में थोड़ा सा दूध भी शामिल कर दे तो सालन जल्दी पक जाएगा। जो लोग मछली खाते हैं ऐसे लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाए, चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। सफ़ेद चावल खाने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह है। नहाने के बाद जो अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटते हैं उनके बाल जल्दी गिर सकते हैं और उनके बालों में चमक खत्म हो जाती है। मैदे के अमराज, गुर्दे के अमराज और कैंसर से निजात पाने के लिए बाद नमाज ईशा सूरह कुरैश 11 बार पढ़ने से तमाम अमराज, शुगर, फालिज और कैंसर जैसे अमराज से निजात मिलती है। ज़ख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज को जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं, ज़ख्म चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। दुश्मन पर एहसान करो तो वो दोस्त बन जाएगा। ऑपरेशन वगैरह के निशान दूर करने के लिए एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गरम करके रोज़ाना लगाएं। ज़ख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज को जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं, ज़ख्म चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। जिस औरत का रंग साफ ना हो ऐसी औरत को बकरी के दूध की लस्सी बनाकर पिलाएं। मक्खी और मच्छरों से परेशान है तो पत्ती की दूनी दें। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसे ज़ाया मत करें, बल्कि घर के कोनों में इसकी दूनी दें। इससे मच्छर और मक्खियां नहीं आएंगे। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ हाथ धो लेना ही बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ बैठते हैं। चावलों के बाद दूध हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुवत और ताकत मिलती हैं। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि वो लहसुन की दो तरियां लीमू के कावे के साथ खा लिया करें, इससे उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जो दूध रोज़ाना गर्म करके पीता है जान लो उसकी हड्डियां ऊँट की हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अगर आप गुर्दों की बीमारी से बचे रहना चाहते हो तो आपको चावल कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। जो लोग चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
तो उनके गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो जाती है और इससे वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और वीडियो को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।